और अभी आपको बताएं, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से मजीद 15 अफराद जान से गए, जबकि जाँ भाग अफराद की तादाद 164 हो गई है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मजीद 15 अफराद की जानें चली गईं। सूबे में बारिशों, सैलाबी रेलों और मुख्तलिफ वाकयात में जाँ भाग अफराद की तादाद 164 हो गई है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी पानी की नज़र हो गए। हालिया बारिशों ने ज़िले कोहलू को बुरी तरह मुतासर किया है और सैकड़ों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें सैलाबी रेलों में बह गई हैं। कपास, मिर्च, टमाटर की फसलें और फलों के बागात तबाह हो गए, जबकि 2,900 मवेशी सैलाबी रेलों में बहकर हलाक हो चुके हैं। कोहलू में 2,630 सोलर पैनल और 109 लोकल बोर बारिशों से बुरी तरह मुतासर हुए और ज़िले भर में 1,390 खानदान हालिया बारिशों से मुतासर हुए। मुतासरीन का शिकवा है कि इंतजामिया की जानिब से अब तक सिर्फ इलाके में खीमे फराहम किए गए हैं। एक बार फिर आपको बता रहे हैं, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से मजीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मजीद 15 अफराद की जानें चली गईं। सूबे में बारिशों, सैलाबी रेलों और मुख्तलिफ वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई है। सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी पानी की नज़र हो गए। हालिया बारिशों ने ज़िले कोहलू को बुरी तरह मुतासर किया है और सैकड़ों एकड़ पर मुहित खड़ी फसलें सैलाबी रेलों में बह गई। कपास, मिर्च, टमाटर की फसलें और फलों के बागात तबाह हो चुके हैं, जबकि 2,900 मवेशी सैलाबी रेले में बहकर हलाक हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।